डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, और एक पॉइंट है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट कितना है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इस बात का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पॉइंट पी है, क्या उसकी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस एक्स वन है और क्यू की कितनी है एक्स टू, ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या P और M दिख रहा है तुम लोगों को, yes, ये डिस्टेंस कितनी लग रही है x2 माइनस x1, दिख रही सबको, देख लो सही है। एन पी कितना है, एन पी वाई वन, एन पी इज वाई वन, देखो एन पी सही बात है, yes, sir. ठीक है। और आर क्यू कितना है, वाई टू, y2 सही है। तो अगर मैं कहता हूं mq बताओ, mq y2 माइनस y1, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। तो क्या तुम लोगों को डायग्राम में x2 माइनस x1 दिख रहा है, जिसको मैंने नाम क्या दिया है pm, देखा मैं साइड में नया डायग्राम बना दे रहा हूं, क्या तुम लोगों को mq दिख रहा है जो कितना है y2। तो क्या y2 माइनस y1 को डेल्टा वाई कह सकता हूँ, डेल्टा वाई का मतलब डिफरेंस इन वाई, डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे एक्स टू माइनस एक्स वन को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेल्टा एक्स, मतलब एक सिंबल कई चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिफरेंस, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, डेल्टा एक्स का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, और डेल्टा वाई का मतलब वाई टू माइनस वन, सही। तो क्या पी एम हमारा डेल्टा एक्स है, एम क्यू डेल्टा वाई, ठीक। क्या मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया है, दिख रहा है क्या सबको थीटा एंगल दिख रहा है, yes, हम लोग क्या टैन थीटा समझते हैं, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिखो नहीं बेटा सुनो पहले, लिखो नहीं पहले सुनो मेरी बात, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस डायग्राम में परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सही। yes. जिसको मैं टैन थीटा कह रहा हूँ उसको मैथ्स में क्या कहते हैं, स्लो, स्लो, ठीक है। जिसको हम लोग नॉर्मली टैन थीटा कहते थे 10th क्लास तक, अभी उसको 11th में क्या वर्ड यूज करेंगे, स्लो, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बाहत कम है, ऑलमोस्ट जीरो कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने लिखा है डेल्टा एक्स एरो जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स में लार्ज ले रहा हूँ या बहुत स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल एक्स वन है मेरा वन और एक्स टू है मेरा 1.0001, तो डेल्टा एक्स मेरा कितना आएगा 0.0001 ज्यादा हो गया 0.0001, राइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स अगर बहुत स्मॉल है तो क्या डेल्टा वाई भी बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना। यार रुको एक मैं और तरीके से आइडिया देता हूँ तुम लोगों को, अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो क्या सर्कल में डायमीटर पता है तुम लोगों को, सही ना। नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो मैंने बनाया क्या ये कॉर्ड है, क्या मैंने और छोटी कॉर्ड बना दी, अब इस लास्ट वाली कॉर्ड को देखो ये एक्चुअली टेंजेंट बन गई क्या, समझते हो बात। तो जो ए बी था उसको पास लाने पर क्या वो सी डी बन गया, और पास लाने पे क्या वो ई बन गया, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो पहले डायमीटर था, जैसे जैसे इसको हम सेकंड बनाते जा रहे हैं एक ऐसा पोजीशन आएगी जहां पर वो टेंजेंट बन जाएगी। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो डेल्टा वाई भी क्या है, बहुत स्मॉल। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है ये बोलना चाह रहा हूँ, और डेल्टा वाई भी बहुत छोटा है। तो इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को एक नया नाम दे दिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बस ये आइडिया बताना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ को हम लोग टेन थीटा कहते थे 10th में, उसी को अब यहाँ पे क्या बोलना है, स्लो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स।
डीवाई बाई डी एक्स को मैथ्स में बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो जिसको डिफ्रेंसिएशन कह रहा हूँ, क्या सिंपल शब्दों में वो टैन थीटा है या सिंपल शब्दों में वो स्लोप है. ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बताता हूँ. इससे एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इससे तुमको मैंने आइडिया देने के लिए बताया है, इससे कुछ भी नहीं आएगा. बस ये देख लो भाई मैंने क्या बताया, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएंगे तब वहां मैं बोल लूंगा स्लोप निकालू, तो तुमको वहां पहचानना कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ. एग्जाम में थोड़ी नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा. अब वहां क्वेश्चन में मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, तुमको पहचानना पड़ेगा क्या करना है. तो वहां पे ये बेसिक बात समझ में आनी चाहिए. अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर डेल्टा वाई है और बेस डेल्टा एक्स है, तो टेन थीटा को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहते हैं. अगर ट्रायंगल बहुत छोटा है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत, बेस उसका बहुत कम है और हाइट भी बहुत कम है, तब टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स या फिर स्लोप. इसका एप्लीकेशन तुम्हें दिखेगा चैप्टर 5 में, लॉज ऑफ मोशन में. ये फंडामेंटल, अगर ये फंडामेंटल क्लियर होगा तो आगे बात समझ में आती है. अगर ये फंडामेंटल मिस है तो वहां पे क्लिक ही नहीं करता कि क्या करूं, तो क्वेश्चन आता है तब. और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके फॉर्मूले हैं मैथ्स के, फिजिक्स में तो हम एज अ रिजल्ट याद करेंगे इनको. या सिंपल शब्दों में, और सिंपल शब्दों में मैं बोलना चाहूँ तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब है एक बड़ी सी बिल्डिंग है पुरानी, उसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ के छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज डिफरेंशिएशन. जिक्सा पजल समझते हो? Yes, तो जिक्सा पजल्स में क्या होता है, एक फोटो बनी हुई होती है कई सारे ब्लॉक्स को मिलाकर. तो अगर जिक्सा पजल्स को मैंने तोड़ दिया छोटे छोटे ब्लॉक्स में, उसको फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना. अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े. डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका मतलब एक्स को बदलने पे वाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वाई कैसे चेंज हो रहा है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे 11 12th में यूज होगा ये फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन. तो इसको समझना बहुत जरूरी है. इंटीग्रेशन भी होता है इसके साथ, इंटीग्रेशन टॉपिक होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन में क्या करूंगा, मैं एक बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ दूंगा. इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके बड़ा ब्लॉक बना देंगे. तो पहले डिफरेंशिएशन बताऊंगा फिर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे. जैसे मैं इंटीग्रेशन और डिवीजन, सर इंटीग्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट है ना. दोबारा बोलो बेटा. सर इंटीग्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट है ना इससे. नहीं नहीं बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, करते जाओ सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है. अभी सब बताऊंगा मैं, पहले ये बेसिक बात समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ गई तो अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान देखना. मैं एक आइडिया और दे रहा हूँ. सपोज ये ग्राफ है ऐसा, ठीक है ना. अब इस ग्राफ में मैंने दो पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, दिख रहा है? पॉइंट ए और बी, दिख रहा है? Yes. अब मैंने इन पॉइंट्स को ए डैश और बी डैश कर दिया. अगर और पास लाऊंगा तो क्या कहीं टेंजेंट तो नहीं बन जाएगा? Yes. टच करता वो निकल जाए, पॉसिबल है?
वैसे भी कर सकता है, मतलब मैं आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये आइडिया क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए बी कॉर्ड दिख रही है और ए डैश बी डैश की कॉर्ड दिख रही है, तो अगर ए बी को देखोगे तो ए बी के लिए मुझे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ऐसा दिख रहा है। अब अगर तुम ए डैश बी डैश देखोगे तो उसके लिए डेल्टा वाई बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ट्रायंगल छोटा हो जाएगा ना, सोचो यस सर, देखो ये किसका ट्रायंगल ऐसा बनेगा, इस बड़े हो जाएगा ट्रायंगल ऐसा बनेगा, समझ जाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बस ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि क्या डेल्टा वाई, देखो दिखाता हूँ, और डी वाई एक ही बात है या अलग बात है, एक बात नहीं है, ये बस समझाना चाह रहा हूँ, डेल्टा वाई का मतलब मैंने क्या बोला था, वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा एक्स का मतलब मैंने क्या बोला था, एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कुछ भी हो सकता है, बहुत लार्ज भी हो सकता है। अब मैंने कंडीशन डाल रही थी कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो क्या डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा, यस सर, ठीक है ना, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को मैं लिखना चाहता हूँ क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स, बट वो बात तभी कर सकता हूँ जब डेल्टा एक्स कैसा हो, बहुत छोटा हो, अगर डेल्टा एक्स छोटा है तो ऑब्वियस है डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा क्या, इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स सेम बात कब है, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज बहुत स्मॉल हो, एग्जांपल दिया था एक वन है और एक 1.0001 है, अब तुम करो एक वैल्यू वन है और दूसरी वैल्यू 1000 है, तब ये नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके कुछ रूल समझने हैं डिफ्रेंसिएशन के, फर्स्ट रूल है अगर कहीं पर लिखा है वाई इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन, तो dy by dx का मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के, x. तो पावर आगे आ जाएगी yes. और एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल रूल वन है, y इक्वल टू x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, n x टू पावर n माइनस वन, फॉर एग्जांपल चलो मैंने क्वेश्चन बना दिया एग्जांपल के लिए, तो लास्ट वाला क्या है 5/2 x टू पावर 5/2 देखते हैं बेटा जिसके दिमाग में जो आ रहा करो, देखो मैंने बस एक सिंपल सा रूल बताया, जो भी पावर है वो आगे जाएगी और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो अगर x टू पावर 4 दिख रहा है तो क्या पावर आगे लिख दूंगा 4 और x टू पावर क्या लिख दूंगा 4-1, वैसे x टू पावर -4 को क्या लिखूंगा -4 x टू पावर -4-1, अब इस रूट x को क्या लिखूं, वेरी गुड x टू पावर 1/2 बहुत बढ़िया, तो क्या 1/2 आगे आ जाएगा और x टू पावर क्या लिखूंगा 1/2-1, सही लिखा मैंने, अब मुझे क्या दिख रहा है x टू पावर 5/2, क्या लिखूंगा 5/2 x टू पावर 5/2 माइनस, इसका ना हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए 4x³ - 4x⁻⁵+½x²⁻½ प्लस 5/2 एक्स टू पावर 3/2, तुम लोग देखो तुम लोग ये आ रहा है कुछ और आ रहा है, और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा दे सकते हो एक्स टू पावर माइनस हाफ का मतलब 1/√x, राइट, लास्ट और सेकंड लास्ट स्टेप सेम है क्या, बस लिखने का तरीका अलग है, तो सेम ही बात लिखी मैंने, कोई फर्क नहीं, और मैंने क्या बोला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हें, हर चैप्टर में यूज होगा, तुम इससे आइडिया लगा लो हर चैप्टर में,
और बहुत सिंपल सा रूल है, जो भी पावर है कहीं लिखा है x टू पावर 4, तो मुझे बस एक बात समझ में आती है, पावर को आगे कर दो और पावर जितनी भी थी उसमें माइनस कर दो। एक क्वेश्चन और ट्राई करें इसमें। चलो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो सभी लोग। माइनस 1/2 एक्स की पावर हाफ प्लस 1/2 एक्स की पावर हाफ माइनस 7 एक्स की पावर माइनस 8 प्लस 32 एक्स एक्स की पावर माइनस 5 90% यू आर करेक्ट 80 to 90% बढ़िया। दूसरे वाले में भी थोड़ा फर्क है शायद मुझे लगता है। हाँ तुमने सही बोला, उसने प्लस बोला था। और लोग निकालो भाई। ठीक है सबका आ गया। चलो भाई देखो पहले मुझे दिख क्या रहा है, मुझे तो ये ऐसा दिख रहा है x टू पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है क्या, ये x टू पावर हाफ लिखा हुआ है, x टू पावर माइनस 7 एंड x टू पावर माइनस 4 चेक करो, ऐसा देखा तुम लोगों ने। अब डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं लिखूँगा माइनस 1/2 एक्स टू पावर माइनस 3/2 चेक करो, ठीक है फिर लिखूँगा 1/2 एक्स टू पावर माइनस 1/2 माइनस 7 एक्स टू पावर माइनस 8 प्लस 32 एक्स टू पावर माइनस 5 ठीक है।
कहाँ पर माइनस फोर था ना बेटा, माइनस फोर। एक और ट्राई करें, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन लोगों ट्राई करो। और किसी का लास्ट का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सर, प्लस 4 हट जाएगा, देखते हैं। नहीं देखो मुझे क्या दिख रहा है, देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 25x4 में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर, इजी था। -36x-7 इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही। प्लस 3 अब मुझे तो ये x^1 दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा 1x^0। और 4 मुझे क्या दिख रहा है? 4x^0, तो मैं लिखूंगा 0 × x^-1। जो तुम करो परफेक्ट करो, गलत नहीं बेटा, बिल्कुल सही है। बट मैंने वो सिखाया नहीं ना अभी, मैंने अभी वो रूल कहाँ सिखाया, मैं तो इसी रूल से सिखा रहा हूँ। हाँ पढ़ा हुआ है इसे, तुम बता पर वही बता दूंगा। तो क्या मैं इसको 3 ले सकता हूँ? x^0 तो 1 हो गया, और लास्ट वाले को मैंने 0 क्यों लिख दिया? क्या मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है? तो कुछ भी हो, 0 तो सबको 0 ही बना देता है मल्टीप्लिकेशन में। तभी तो मैंने सिर्फ एक ही रूल सिखाया, उस रूल के बेसिस पे आंसर बता रहा हूँ। सर लास्ट में +0 लिखना इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं लिखना नहीं है बेटा, लिखते ही नहीं है, बस मैंने इसलिए लिखा है कि तुम लोग क्लियर रहो कि डिफरेंशिएशन मैंने 0 कर दिया है। अच्छा, तो आई होप बड़ा सिंपल सा रूल बताया मैंने। अगर x^5 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? x^5 का 5x^4, ठीक है। अगर x^-5 है, -5x^-6। तो सिंपल शब्दों में मैं डिफरेंशिएशन में बोलता हूँ, अगर x^n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर उड़ के आगे आ जाएगी और एक पावर सबट्रैक्ट करना है, जितनी भी थी उसमें -1 कर दो। अगर ये क्लियर हो तो आगे बताऊँ? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल 2। अगर कहीं y = कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ध्यान से देखना, रूल 3 भी बताना चाह रहा हूं मैं। -7, 1828
2.7182 है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही रहता है, यानी जरूरत नहीं, बस ये लिख देंगे सेम। हाँ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था x टू पावर n, देखो जो मैंने फर्स्ट रूल बताया उसमें y इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, x टू पावर n, यानी x की पावर पे होना चाहिए, x की पावर पे n था, यहाँ खुद x पावर पे है क्या, फर्क समझो मैंने क्या बात बोली। अगर x टू पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा n x टू पावर n माइनस वन, बट ये e टू पावर x है, इसका मतलब पहले x की पावर कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट की पावर x है। देखो मैं लिखता हूँ रूल वन और रूल थ्री में डिफरेंस समझो। रूल वन हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू x रेज टू पावर n, तो डिवाइड बाई dx हमने क्या लिखा था, n x टू पावर। तो रूल वन में क्या x की पावर n मतलब x टू पावर कांस्टेंट लिखना चाह रहा हूँ, और रूल थ्री को ध्यान से देखो, नहीं, कोई और कांस्टेंट होगा तो उसका अलग रूल है। बेटा बताया तो e की वैल्यू 2.718 कांस्टेंट है, बदल नहीं सकती। अच्छा कहीं वो लिखा है सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो क्या पाई की वैल्यू मैं बदल दूंगा, तो फिक्स है 3.14। तो वैसे यहाँ पर e भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 2.7182 यही आएगी, हालांकि मैं जरूरत नहीं पड़ती, हम आंसर e में ही डाल देंगे, वो क्वेश्चन कराता हूँ ना तो क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। y इक्वल टू x टू पावर 5 प्लस e टू पावर 5 प्लस e टू पावर x प्लस log 10। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन ट्राई करते हैं। चलो भाई सब लोग ट्राई करो, देखो इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आंसर क्या आ रहा है, आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है वो मेन बात है, आंसर तो आ ही जाएगा अगर सही चीज सीख ली तो। ई की वैल्यू जरूरत नहीं है ना बेटा, ई में ही आंसर डाल देंगे, ई की पावर 5 ही हो जाएगा बस, वही मतलब मैं कह रहा हूं ई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आंसर लिखोगे y इक्वल टू e तो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर 10 हो जाएगा ना, मुझे नहीं पता, करो तू अभी समझ में आएगा मैंने क्या बोला, करो तू जरूरत भी तो नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, मैं तो वही चीज पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया तो क्यों पूछूंगा, गलत सोच रहे मतलब वो पता नहीं। मैं चाहता हूँ सोचू ना, जो दिमाग में चल रहा सोचते रहो। सर आप फॉर्मूला फिर से दिखा सकते हैं एक बार ही? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तो हमेशा एक ही बात तो बोलता हूँ, जब दिमाग में जो बात आए लिख दो, मैं तो अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जरूरत नहीं बेटा, तुम गलत पॉइंट पे सोच रहे हो ना, ये सब हो गया। सबने कर लिया हो तो मैं डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं सबका आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा है ठीक है, सही आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करें, सबने एग्जीक्यूट कर लिया जिसके दिमाग में जो आया, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन लूंगा, मैं उस क्वेश्चन में वो बात पूछूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाई, या वो पूछूंगा जो मैंने पढ़ाई, जो नहीं पढ़ाई मैं पूछूंगा नहीं, वो नहीं लग रहा है तुमको, लग रहा है ऐसा तुमको, ऐसा लग रहा है तभी तो समझा रहा हूँ मैं, हिंट दे रहा हूँ, तुम उस हिंट को पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो तुमको पता है ना बेटा वो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने, आगे बताऊंगा। जैसे इसके पहले क्वेश्चन आया था जहाँ पर 4 आया था, अब तुमने नोटिस करा मैंने उसका डिफरेंशिएशन कैसे करा था, 4x^0 लेकर के, सही बात है ना, तो मैं कर रहा हूँ, देखना तुम लोगों ने क्या सोचा, 5x^4 में कोई दिक्कत नहीं,
ई टू पावर फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो तो कांस्टेंट है, फिर वो भी कांस्टेंट है। बोल तो रहा हूँ तुम, मतलब कौन पे चल रहे हो? e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, और log 10 भी कांस्टेंट, उसका भी सिर्फ 5x 4 x पावर 4 होगा ना आंसर, वो पढ़ेंगे बताऊंगा वो भी। मैं कह रहा हूँ हर क्लास में तुम बहुत कुछ सीखते जाओगे, सुनते जाओ बस ध्यान से, और जो दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट करो, मुझसे नहीं पूछो। मैं तो बताऊंगा ये भी थोड़ी बार, मैं तो हर चीज बताऊंगा, पर जो तुम्हारे मन में आ रहा पहले वो तो एग्जीक्यूट करो, देखो तो क्या आ रहा दिमाग में। अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे बिना सोचे बता दूंगा तो तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे नई चीज ना, इसलिए मैं चाहता हूँ ट्राई टू एक्सप्लोर योर थॉट्स, जो भी दिमाग में आ रहा एग्जीक्यूट करो भाई, ये तो सही करोगे या गलत करोगे, गलत करोगे तो अगली बार याद रहेगा अच्छा सर ने एक बार बताया था e टू पावर 5 का जीरो, e टू पावर x में x वेरिएबल था, e टू पावर x में x वेरिएबल था। तीन बातें बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ, रूल वन है y इक्वल टू x टू पावर कॉन्स्टेंट, अब समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल टू x टू पावर कॉन्स्टेंट लिखा है मैंने, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी कॉन्स्टेंट है वो उड़ के आ गया जाएगा और कॉन्स्टेंट माइनस, जैसे अगर बाई चांस मान लो एग्जाम में आ गया y इक्वल टू x टू पावर x, उसको थोड़ी डिफरेंशिएट कर दोगे, उसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, उसका अलग तरीका है। अभी तो हम जानते हैं y इक्वल टू x टू पावर कॉन्स्टेंट है, तब मैं क्या लगाऊंगा, पावर आगे और एक पावर कम। दूसरा मैंने रूल क्या बताया, अगर अकेला कॉन्स्टेंट है, अकेला कॉन्स्टेंट तो जीरो, अकेला कॉन्स्टेंट, जैसे y इक्वल टू 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, जीरो। अगर y इक्वल टू 5x है तब जीरो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है या x के साथ मल्टीप्लाई है, फर्क समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, ठीक है, जैसे देखो y इक्वल टू 5 5x में तो डिफरेंशिएशन में 5 आ जाता है। हां बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका मैं फिर से बोलता हूँ, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, बट अगर कोई कांस्टेंट के साथ x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो डिफरेंशिएट x या x स्क्वायर या x क्यूब को करना है, 5 ऐसा ही रहेगा जैसा रहता है। तीसरा रूल मैंने क्या सिखाया, अगर e टू पावर x है जिसमें e एक पर्टिकुलर वैल्यू है लाइक पाई, ठीक है, e को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज, मैथ्स में पढ़ोगे तुम लोग, e टू पावर x का एक्सपेंशन होता है, पूरे फॉर्मूले हैं लॉग का e टू पावर x का, तो मैंने बोला जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये फिजिक्स का पार्ट है या मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, मैं उतना बताऊंगा जितना फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, ये तो इसमें पूरे चैप्टर हैं बड़े बड़े 100-100 क्वेश्चन के, सही बात बोली, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं उतना डिफरेंशिएशन बताऊंगा जितना मुझे लगता है फिजिक्स में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पहला रूल बताया, अगर x टू पावर कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। दूसरा रूल बताया, अगर सिर्फ कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन उसका पक्का जीरो। थर्ड, अगर e टू पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, मतलब e टू पावर x का e टू पावर x, ठीक। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया x टू पावर 5, क्या ये रूल 1 से सॉल्व हो रहा है? फाइव एक्स टू पावर 4 है ना। दूसरा मैंने लिखा e टू पावर 5, हाँ मतलब e भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो। थर्ड, e टू पावर x, अब कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल है क्या ये? तुमने बोला e टू पावर x का सेम रहता है, कोई चेंज नहीं, बस सीधा कॉपी मार देना है। लास्ट रूल मैंने क्या बताया, log 10, log 1, log 2, log 3, log 10 ये सारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, जीरो, अकेला कांस्टेंट मतलब जीरो। एक और बनाए, एक और बनाते हैं, साइन 10 प्लस e टू पावर साइन 30 डिग्री प्लस x टू पावर साइन 30, प्लस 4x टू पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर। चलो इसको डिफरेंशिएट ट्राई करते हैं, मैं चाहता हूँ सब लोग ट्राई करो फिर डिस्कस करेंगे, सब लोग ट्राई करो।
जिसके दिमाग में जो आ रहा है अपने रखो बेटा, तभी सीखोगे, तभी सीखोगे। हम लोग यहाँ राइट रॉन्ग का चक्कर नहीं है, हम लोग बस ये चाहते हैं कि सही बात सीख जाओ। सबने ट्राई कर लिया तो डिस्कस करें। सबने साइन 10 डिग्री है राइट, सही बात बोली। साइन 10 तो कांस्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0.1 0.2 जो भी है। अब हाफ हो जाएगा, ई टू पावर हाफ लिखा है क्या? यस सर, ये भी तो कांस्टेंट है। बढ़िया, थर्ड क्या दिख रहा है? एक्स टू पावर 1/2 दिख रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 एक्स टू पावर। हाँ मतलब मैंने 100 करके लिख दिया है, प्लस 3/4 x^2। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये 4 है या 4x³ है? 4x³। अगर अकेला 4 होता तो 0 हो जाता, मल्टीप्लाई में क्या, तो 4 चुपचाप पड़ा रहेगा। सिर्फ हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स क्यूब का, मतलब 3x²। ये बात समझ में आई बेटा मैंने क्या बोला? मैं दोबारा बोलता हूँ, 4x³ लिखा है क्या? तो ये अकेला 4 है या 4x³ एक साथ है? एक साथ है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा 4x³ में डिफरेंशिएशन हम 4 का करेंगे या x³ का? तो जैसा है वैसा रहेगा, सही है। अब 9x² में 9 तो वैसे ही रहेगा, x² का क्या हो जाएगा? 2x 2x 2 पावर 1। तो मेरा आंसर आ रहा है 1/2 √x प्लस 12x² माइनस 18x, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़े, रूल 1 रूल 2 रूल 3 क्लियर है राइट? Yes, चलो रूल 4 देखते हैं। तो नहीं बेटा जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो लॉग कांस्टेंट लिख रहा हूँ या लॉग वेरिएबल लिख रहा हूँ? वेरिएबल, x का ना वेरिएबल लिखना चाह रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है? हाँ सही है, बस log x का डिफरेंशिएशन 1/x बस, ठीक है ना? अगर sin x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर cos x है माइनस साइन एक्स। चलो नोट करो इसको। हाँ साइन एक्स का मैंने कॉस एक्स बताया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स।
गया सर, लिख लिया सबने, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स। ये रूल्स है जो हमें याद करने, ठीक है, जैसे टेन बताया वैसे cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस cos स्क्वायर एक्स। एग्जाम में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आएगा इसका एग्जाम में, कुछ भी नहीं पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो गिवन वैल्यू देगा ना, मैथमेटिकल वैल्यू देगा, मतलब ये कि ये कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट है, तो सर सॉल्व करने के लिए देगा ना क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के बीच में आएगा ये। अरे कभी ऐसा था साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व करते करते कहीं यूज कर लेते साइन 30, वैसा आएगा ये, मतलब किसी एक क्वेश्चन का सब पार्ट है, एक क्वेश्चन है जो सात लाइन में सॉल्व हो रहा है तो बीच में किसी पार्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ऐसा। कॉम्पिटिटिव में सीबीएसई में हो सकता है पूछ ले डिफरेंशिएशन, सीबीएसई में पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में तो कभी ये नहीं पूछेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कभी नहीं, वो तो क्वेश्चन के बीच में आएगा, लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता ना, बस ध्यान सुनते जाओ, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो रूल, नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल 5, 6, 7, 8 में ध्यान से देखो, 6 में सी आया था क्या, कॉस का सी, कॉस एक्स लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस साइन एक्स, तो मैं बोला जहां पे सी आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है क्या, ध्यान दिया, अब रूल 8 को देखो, कॉट एक्स में फिर से सी आया क्या, सी समझ पा रहे हो, इंग्लिश वाला लेटर सी, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर क्या है, नेगेटिव, बाय चांस ऐसा हो रहा है, बट बताने से क्या है, प्लस माइनस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। रूल 9, वाई को हम लिखते हैं अगर sec x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बढ़िया, sec x इंटू tan x, ठीक है। रूल 10, अगर मैं cos x बोल रहा हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x है तो माइनस cos x इंटू cot x, वेरी गुड, ये मैंने लोगों को हिंट दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट नोटिस करा मैंने कि जहाँ जहाँ पे सी आ रहा है उसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं मैंने बोला, बट जनरली ऐसा होता है। मतलब मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं बेटा, तो इसको चैप्टर जीरो मानता हूँ मैं, चैप्टर जीरो का मतलब बेसिक बात है, जो किसी चैप्टर में मिलेगा ना थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा, चैप्टर टू ही हुआ ना, हाँ सिर्फ एक चैप्टर हुआ, चैप्टर टू यूनिट डायमेंशन, नहीं वो अलग चैप्टर में आएंगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी में, वो अलग चैप्टर जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती सर, हाँ बेटा,
चैप्टर टू खत्म हो गया हमारा? नहीं बेटा, अभी उसी का पार्ट चल रहा है। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। आप जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये मेन रूल है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखना भाई, प्रोडक्ट रूल का मतलब है दो चीजें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ, ठीक, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब पहली बार पहले को माफ कर दिया, डिफरेंशिएट किसको करा? सेकंड को, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब भी दो, कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और उनका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, तो एक बेसिक बात याद रखो, पहली बार पहले को माफ कर दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरी बार दूसरे वाले को माफ कर दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। इस तरीके से याद रह जाता है फॉर्मूला ये, तो ट्राई करके देखें। अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू x टू पावर 4 इंटू साइन x, आ गया तो मैं करूं? Yes, सभी ट्राई कर लिया? Yes. तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो भाई मैं क्या करूंगा, पहली बार एक्स टू पावर 4 को माफ कर दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस को पता नहीं, तो कॉपी देखना पड़ेगा। मैंने बोला बेटा कि sin x के डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो मैंने बताया है, अब कॉपी में देखो मैंने क्या बताया है, तो वही लिखा है मैंने। dx नहीं होगा, अब दूसरी बार किसको माफ कर दो? सर dx sin x को, किसको डिफरेंशिएट कर दो? 4x, x टू पावर 4 को डिफरेंशिएट करो तो 4x क्यूब हो जाएगा, तो कुछ कॉमन तो नहीं है? x कॉमन ले लिया तो बन गया x cos x प्लस 4 sin x, देख लो भाई। तो मैं बार बार एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने से फिजिक्स में काम नहीं चलेगा, सॉल्व करो। जैसे d by dx सेकंड लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना। एक और ट्राई करें इसमें। yes, y equal to tan x into cot x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो।
y को tan x plus into cot x plus sin x degree. अच्छा ये नहीं कर पाओगे अभी, अभी यहीं तक है वो sin x या sin 30 डिग्री लिख दिया मैंने, आप ट्राई करो. फर्क पड़ेगा बेटा, अभी समझ में आएगा फर्क पड़ेगा. आगे कितना आया सर? tan x minus cos x into cot x x square x. और सॉल्व कर सकते हैं इसको सर? ये उसमें आया है सर, x square minus. देखो करके देखो, मैं ये तो कहता हूँ जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करते रहो, तुम्हें नई नई चीजें दिखती रहेंगी. करें सॉल्व करें. देखो भाई पहले tan x को फर्स्ट सर जीरो. हाँ बेटा वेरी गुड, जीरो आएगा मुझे इसका आंसर लग रहा है. बताने मेरे बताने से पहले बताना है भाई सर एंड में माइनस sec x cos x आएगा और प्लस cos x और sec x आएगा. देखते बेटा देखो मैं करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. पहले फर्स्ट और सेकंड पहचान लिया तो पहली बार क्या करूंगा, tan x को माफ कर दूं, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्लस, दूसरी बार cot x को माफ कर दूं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec square x, sin 30 का क्या हो गया जीरो. सही बात है, अब ध्यान से देखना. अब क्या इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? tan x का मतलब क्या है? sin x upon cos x. और cos x square x का मतलब क्या है? 1 upon sin square x. देखते हैं ना, मैं ये भी नहीं करूंगा, ये तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं. cot x को क्या लिखेंगे? cos x by into sec square x का मतलब क्या है? तो क्या x sin x से sin x चला गया? क्या बचा? माइनस वन बाई कॉस एक्स साइन एक्स. क्या एक कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया? वन बाई साइन एक्स कॉस एक्स. दोनों सेम बात है, डिफरेंट है, सेम है. अब एग्जाम में ये नहीं करना चाहिए था, ये तो प्लान बी था. प्लान ए क्या है ये बताओ, मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा देखो, y इक्वल टू क्या लिखा था? tan x into cot x. इस cot x को मैं क्या लिख सकता था? बस तो एक्चुअली मैंने ये 1 लिखा है क्या? y इक्वल टू 1 तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं थी.
तभी मैं कहता हूँ ऑल पॉसिबिलिटी सोचा करूँ, जिसके दिमाग में जो आ रहा है। आई होप सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। यस सर, मतलब समझ में आ रहा हूँ। मैं जब क्वेश्चन देता हूँ तो मैं कहता हूँ ट्राई करूँ भाई, जिसके दिमाग में जो आ रहा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ट्राई करूँ, नए नए तरीके मिल जाते क्वेश्चन करने के। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। करो नोट करो। तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा इनपुट दो क्वेश्चन में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एफर्ट डालो। तो मैं साथ वाले का आगे आने दो भाई, तुम अपना दिमाग लगाओ तभी सीखोगे। और मैं बार बार कहता हूँ मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। लॉजिक में इंटरेस्ट है कि तुम सोच कैसे रहो, तुम्हारा अप्रोच क्या बन रहा है, अप्रोच मेन बात है। और जितना वैरायटी क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारा आईक्यू लेवल और अप्रोच बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम में हमें टाइम भी तो बचाना है भाई। मैं लास्ट 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो इतने साल में पढ़ा कर हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक सीख ली है क्या शॉर्टकट करने की, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। यदि जो क्वेश्चन करवा रहे हो देखो, हम अपने मन से फ्रेम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में तो अपने मन से फ्रेम करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी बुक से लिखते हैं। तो इसका मतलब वो सोच रहे होते हैं दिमाग में क्वेश्चन के बारे में कि कैसा क्वेश्चन बनाओ, किस टाइप का बनाना चाहते हैं। जैसे वाई को टेन एक्स इंटू कॉट एक्स मैंने समझ में आया क्यों लिखा था, इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम मैंने पहले ही सोच लिया था क्या, तभी तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया। रैंडमली थोड़ी लिख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मैं क्या चेक कर रहा था कि तुम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल, या फिर थोड़ा ट्रिगो का भी एप्लीकेशन लगाओगे, सही ना। तो एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके बनाते हैं। जैसे आज ट्वेल्थ वाली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें 5 कॉन्सेप्ट लग रहे थे, समझ में। तो एग्जाम में ऐसा होगा, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट को मिलाया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ट्रिगो, दूसरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन, ठीक बात है ना। ठीक है चलो एक और। कोई भी तरीका करो, कोई भी तरीका करो। एग्जाम में नहीं आएंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन, हाफ मार्क या वन मार्क में आएंगे बस, सीबीएसई में। और क्या बेटा, इतने नंबर के आते हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है एक मिनट चेक करो, क्वेश्चन रूल नंबर 11 था राइट। ठीक है रूल नंबर सब डालते जाना, ये हमारा रूल 11 था। अब देखो रूल 12, क्वेश्चन रूल, ठीक है क्वेश्चन रूल का मतलब है इस बार नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं क्या। yes, yes. पिछली बार मैंने मल्टीप्लाई करा था, तो ऊपर वाले को मैंने नंबर 1 दे दिया, नीचे वाले को 2। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डिवीजन में, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लाइन ड्रॉ करी और जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है अब मैंने लिखा है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, ध्यान देना माइनस बोला है, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सर ये d अपॉन dx वाला हटा ही देता है ना सीधा, d अपॉन dx का मतलब डिफरेंशिएशन बोलना चाह रहा हूं। नहीं सर मतलब सीधा फार्मूला डाल देते ना, सेकंड इनटू 1 प्लस सेकंड इनटू 1, नहीं बेटा ये पहचानूं कैसे डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ऐसा बोल सकते हो। d by dx हटा नहीं सकते, सीधा फार्मूला ऐसे ही नहीं, फिर पहचानूंगा कैसे किसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर d by dx नहीं लिखूंगा तो पहचानूंगा कैसे, ब्रैकेट का मतलब तो डिफरेंशिएशन नहीं होता ना। मतलब अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है तो फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, फिर तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अभी तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ तुम समझ तो पाओगे क्या लिख रहा हूँ मैं। फिर मैं देखो जैसे एक फॉर्मूला लिखा है, इसके पे एक एग्जाम्पल उठाकर देखेंगे। अगर साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ तो साइन एक्स को फर्स्ट कहेंगे और कॉस एक्स को सेकेंड, सही बात है। yes, सबसे पहले नीचे क्या लिखोगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, मैंने बोला था जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में क्या लिखूंगा, कॉस एक्स इनटू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो cos x डिफरेंशिएशन की बात बोल रहे हो ना. बढ़िया. माइनस sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस sin x. देख लो भी ध्यान से माइनस sin x. माइनस sin x लिखू बताओ भाई. तो कहीं ऐसा तो नहीं बन गया cos square x प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. तो क्या न्यूमरेटर वन बन गया. सही बात है. वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स. किसी के दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है तो बता सकते हो. मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था. y is equal to 10x लेके कर सकते थे. बढ़िया. डायरेक्टली 10x ले रहे थे. उसका तो सीधा डिफरेंशिएशन पता है sec square x है. देखिए कौन है ऑनलाइन में. कोशिश करो बेटा कोशिश करो तभी सीखोगे. ये ड्रॉप है नहीं. चलो आगे बढ़े. कोशिश करो तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई कोशिश करो टाइम बचाने की कोशिश करो एग्जाम में. और छोटा सा छोटा तरीका और कोशिश करते रहो तो देखना धीमे धीमे तुमको भी क्लिक करना शुरू कर जाएगा. इंपॉर्टेंट बात है करते रहो करते रहो. और इससे कंपेयर मत करो कि कोई दूसरा जल्दी कर रहा है या लेट कर रहा है. तुम अपना देख लो भाई जो तुम्हारी स्पीड है कोशिश करो तुम्हारा आंसर सही है. तुम अपनी स्पीड पर काम करो. प्रैक्टिस के साथ टाइम कम होता जाएगा क्या है ना. कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं. कोई बात नहीं विद प्रैक्टिस देखो टाइम कम होता चला जाएगा. जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे. क्वेश्चन रूल का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया ना. अगर दो कोई भी दो वेरिएबल हैं जो डिवाइड हो रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर कर दूंगा सबसे पहले. अब न्यूमिनेटर में क्या लिखूंगा. सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. और इन सबको मैं बोलता हूँ मैथमेटिकल टूल्स. मतलब आज डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया समझ में. अब इसका यूज हर चैप्टर में आएगा. सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हर चैप्टर में आता रहेगा. तो अब बार बार थोड़ी नहीं पढ़ाएंगे. एक बार पढ़ा दिया अब अगली बार सबको याद करना. हाँ वो उसके बाद पढ़ेंगे. चलो देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. y is equal to e to power x upon log x. चलो इसको डिफरेंशिएट करो. y is equal to e to power x upon log x. देखो करो देखो जो आ रहा है करो. और जो हम लोग बता रहे हैं ये मैक्सिमम है या मिनिमम है. ये मिनिमम है. बुक्स पढ़ो बेटा बुक्स में तुमको और बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी. जो ना समझ में आए मुझसे पूछो. हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है तो उसमें हम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं. ठीक है देखते हैं. बुक्स को फॉलो करो. बुक्स में तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. जो ना समझ में आए बोलो नहीं है और बता दूंगी. बट बुक्स को फॉलो करो अच्छे से. खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. जैसे आज डिफरेंशिएशन पढ़ाया अब इसके खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. 40 50 60 क्वेश्चन सॉल्व करो सेट हो जाएगा दिमाग में. फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार करने की. और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया अभी बिल्कुल फ्रेश रहता है दिमाग में तो जल्दी आता है. ठीक है और बताओ भाई. अच्छा देखो मैं करता हूँ. देखो मैं करता हूँ. सब उन्होंने ट्राई कर लिया हो तब नहीं करा तो मैं रुक जाता थोड़ी देर और.
सबने अटेम्प्ट तो करा ना क्वेश्चन को, ठीक है? आप देखो भाई, क्या ए टू पावर एक्स को मैं फर्स्ट सोच रहा हूँ और लॉग एक्स को क्या सोच रहा हूँ? तुमने ये तो समझा ना, सबसे पहले मैं हमेशा क्या करता हूँ, सेकंड का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, याद तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब न्यूमिनेटर में। हाँ बेटा, इसे लॉग एक्स को वन अपॉन एक्स क्यों कर दिया? पहले ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड दिख रहे हैं? मैंने बहुत क्लियरली बोला था डिनोमिनेटर में क्या करना है, सेकंड का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप न्यूमिनेटर की बात करते हैं, न्यूमिनेटर में क्या लिखूंगा, रूल क्या था? रूल के हिसाब चलो भाई, रूल क्या था? सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड जो भी सेकंड था इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स, फिर माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का क्या हो गया? सही, कुछ कॉमन दिख रहा है, ई टू पावर एक्स, क्या बचा? log x। हाँ बेटा बोलो सर, दोनों को 1 upon x सर, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब log x को 1 by x लिखते हैं, हमेशा थोड़ी लिख देंगे log x को 1 by x, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो log x को तब 1 by x लिखेंगे, कहाँ कर रहे हैं बताओ, किस स्टेप में कर रहे हैं? मैंने क्या बोला था, सेकंड सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्यों करेंगे, रूल कहाँ है बताओ? देखो बेटा, मैंने रूल क्या सिखाया, पहले रूल तो पढ़ो ध्यान से, क्या मैंने कुछ लिखा है कि जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन कर दें, ऐसा तो नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ो, नहीं फिर बाद में गड़बड़ होगी बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, नहीं बाद में बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। ये आंसर है, ये आंसर है, सीधा करना है बस फिर तो बनता जाएगा। सिर्फ फार्मूला थोड़ी नहीं बताना, फार्मूले पे क्वेश्चन भी तो करवाने, अगर ये क्लियर हो तो एक क्वेश्चन और कराऊं। चलो y इक्वल टू टेन एक्स अपॉन एक्स टू पावर माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन करना है, अपना अपना करना, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है करो, अपना अपना करो तभी सीखोगे। हाँ, tan x upon x to power minus 5, आंसर चाहिए, राइट या रॉन्ग जो भी आ रहा है।
ये ब्रैकेट के अंदर या तो जिसको प्लस कर दो परफेक्ट है चलो भी देखते हैं तुमने क्या करा। क्या न्यूमरेटर को मैं फर्स्ट बोलता हूँ और डिनोमिनेटर को क्या बोलता हूँ सेकंड, ठीक। अब रूल क्या था, डीवाई बाई डीएक्स में सबसे पहले मैं करता हूँ सेकंड का होल स्क्वायर, सही बात है ना। यहाँ क्या लिखूंगा, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट कौन था, टेन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस। रूल क्या था, हाँ फर्स्ट, अब इस बार लिखूंगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस फाइव एक्स टू पावर माइनस सिक्स, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता बन जाएगा एक्स टू पावर माइनस फाइव सेक स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एक्स टू पावर माइनस सिक्स टेन एक्स अपॉन एक्स टू पावर माइनस टेन। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बढ़िया वेरी गुड, देख लो भाई सब ठीक कह रहे हैं। एक्स टू पावर माइनस फाइव सोच रहा हूँ कॉमन ले लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर लो उतना अच्छा है। तो क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एक्स टू पावर माइनस वन टेन एक्स अपॉन एक्स टू पावर माइनस टेन। तो अगर ध्यान दो एक्स टू पावर, हाँ देखो तो ध्यान से, एक्स टू पावर माइनस टेन ऊपर आकर के एक्स टू पावर प्लस फाइव बना देगा क्या, yes, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है एक्स टू पावर फाइव sec स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एक्स टू पावर माइनस वन टेन एक्स। अगर हम ऐसा करें कि नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर माइनस फाइव कॉमन ले लें तो सर नीचे एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा डिनोमिनेटर, नहीं ऐसे भी लिख सकते, मतलब x रेस टू पावर माइनस सिक्स को कॉमन लेके बाद में जो आंसर आएगा x टू x रेस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नोटिस कर लिया, जहाँ तुमको डाउट आ रहा था मैंने उसके लिए लिखा है। x टू पावर माइनस टेन का मतलब होता है x टू पावर माइनस फाइव इंटू x टू पावर माइनस फाइव, है ना। उसको ऐसा नहीं ले सकते कि x टू पावर माइनस फाइव कॉमन ले लिया और x टू पावर टू बचा, वो रॉन्ग है, है ना। ये ऊपर राइट है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो सबको डाउट आता है कितनी छोटी छोटी बात पे, तो अच्छी बात है ना, जो डाउट है उसको मुझसे बैठ के क्लियर कर लो तो आगे डाउट क्रिएट नहीं होगा, नहीं तो डाउट 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 पाइल अप होता जाएगा, फिर बाद में बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है। जो भी छोटे छोटे डाउट आते हैं यार ये डिस्कस करते चलो, आई होप समझ में आ गया। तो थोड़ा और ऊपर लेवल चलें, ऊपर लेवल क्वेश्चन बताऊं फिर हम, ठीक। अगर यहाँ तक क्लियर होता या एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देख लो भाई तुमने अभी तक क्या क्या सीखा आज की क्लास में। मतलब मैंने कहा ना मैथ्स में तो बहुत सारा है ना, लिमिट ही नहीं है, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, समरी बना देता हूँ। अगर कहीं लिखा है x टू पावर n तो उसका डिफरेंशिएशन होगा n x टू पावर n माइनस वन,
कांस्टेंट का जीरो, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट। तो सिंपल शब्दों में मैं बोलता हूँ, पहली बार पहले को माफ कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरी बार दूसरे को माफ कर दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इससे मुझे याद रहता है बहुत आसानी से। बुक में ऐसा बोलता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जिसको जैसा अच्छा लगे याद कर लो। ठीक है ना। फिर मैंने सिखाया क्वेश्चन टूल, अगर दो कोई भी दो फंक्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर वाले को मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट, और डिनोमिनेटर वाले को सेकंड। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और नीचे लिखता हूँ सेकंड का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं हमेशा ही करता हूँ, जो भी नीचे था उसका होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या लिखता हूँ, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सोच लो आराम से, ऑर्डर बदल नहीं सकते, ध्यान रखना। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, न्यूमरेटर में चेक करूँ, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अगर ये सारा क्लियर है तो कुछ और बताऊं मैं। ठीक है, चलो देखो और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 13 एक मिनट, मैं स्लाइड और ऐड करूं, स्लाइड शायद खत्म हो गई है इनकी। बस एक छोटा सा रूल है, बस देख लो ध्यान से, इस पर डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे, बस ये बताना चाह रहा था। रूल 13, देखना ध्यान से मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अगर कहीं पर dy by dx लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, dy by dt into dt by dx, एक ही बात है या अलग है? एक ही बात है। सही ना, देख लो dy by dx को क्या हम कह सकते हैं, dy by dt into dt by dx। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो dt से dt तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, इस पर कभी क्वेश्चन करवा दूंगा तुमको नेक्स्ट टाइम। बस मैं चाहता हूँ ये रूल पता होना चाहिए। टी क्या होता है, टाइम? टी इज एनी फंक्शन, जनरली टाइम होता है, बट हो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी सकता है। जैसे मैं वाई और एक्स कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा वाई और एक्स आए, थीटा आ सकता है, टाइम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन कराऊंगा और इंटीग्रेशन कराऊंगा। ठीक है, आई होप डिफरेंशिएशन समझ में आ गया अच्छे से सबको। इसके एप्लीकेशन सिखाऊंगा, अभी तो मैंने बस बेसिक डिफरेंशिएशन बताया होता क्या है, जब इसके एप्लीकेशन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी थॉट में। ठीक है।